हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनावों को लेकर लंबे अरसे से अटकलों पर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री ने विराम लगा दिया है। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने साफ किया है कि प्रदेश सरकार पंचायत चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है और जल्द ही इसे लेकर रोस्टर जारी कर दिया जाएगा। पंचायती राज मंत्री ने कहा कि कोरोना के चलते हालांकि इस प्रक्रिया को पूर्ण करने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, लेकिन लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक बाध्यता को देखते हुए विभाग ने सराहनीय काम किया है। मंत्री ने कहा कि सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद विपक्ष पंचायत चुनावों पर भी लोगों में भ्रम फैलाने में लगा हुआ है। सरकार समय पर चुनाव करवाकर जल्द नई पंचायतों का गठन कर ग्रामीण विकास की गति को रफ्तार देना चाहती है। ये बात ठीक है, कोरोना के कारण सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। हमने पंचायतों ने बहुत अच्छा काम अपने इस लॉकडाउन के कार्यकाल में, लोगों को भोजन की व्यवस्था करना, लोगों को जो है वो उनकी आइसोलेशन में जो है वो पूरा ध्यान रखना, बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है। लेकिन जैसे हमने पहले भी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारी संवैधानिक बाध्यता है कि हमको चुनाव करवाने हैं, और हमारे विभाग ने बहुत अच्छा कोरोना के कार्य समय में भी बहुत बढ़िया काम जो है वो विभाग कर रहा है। और पहले हमने नई पंचायतों का गठन किया, फिर उसकी डिलिमिटेशंस की, और अब उसका रोस्टर जो है वो प्रक्रिया जो है वो पूरे जोर पर है, और पीछे मुझे उम्मीद है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो रोस्टर प्रक्रिया भी जो है वो पूरी हो जाएगी। और साथ में 15 दिसंबर से पहले पहले जैसे कहा गया है कि मतदाता सूचियां जो है उसकी एडिशन डिलीशन जो है उसको फाइनल कर दिया जाएगा, हम पूरी तरह से तैयार हैं। और 22 जनवरी से पहले पहले जो एक संवैधानिक बाध्यता है कि 22 जनवरी से पहले पहले हमको ग्राम पंचायतों का गठन करना है, हम 22 जनवरी से पहले पहले ग्राम पंचायतों का गठन करेंगे। जो रोस्टर 0 से शुरू हुआ था, अब उसमें रोटेशन में जो है वो रोस्टर आएगा, और मैं ये समझता हूँ कि हम पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ पूरे, अगर पूरे अपने एक्ट को फॉलो करते हुए, संविधान को उसका दायित्व को निभाते हुए हम इस प्रक्रिया को जो है वो लागू कर रहे हैं। अगर जैसे आपने कहा भ्रम की स्थिति है, ये भ्रम की स्थिति जो है वो विपक्ष द्वारा पैदा की गई है, कभी कुछ स्टेटमेंट दे देते कभी कुछ स्टेटमेंट दे देते, लेकिन हम पूरी तरह से चुनाव के लिए सरकार तैयार है।